ऐसा शासन सम्राट अशोक जी का था, वैसा ही शासन चाहते हैं कि बिहार में भी हो। हम तो यात्रा में थे तो हमको लगता है कि जनता का जबरदस्त अपार समर्थन हमारे नेता के साथ में है। देखिए, नीतीश कुमार जी खिलाड़ी थे, अब खिलाड़ी नहीं है। नीतीश कुमार जी अब खिलाड़ी नहीं है, वह वनाड़ी हो गए। तो निश्चित रूप से यह चिंगारी जो उपेंद्र कुशवाहा जी ने जनता के बीच में रखी है कि वो बिहार चाहिए हमें जो सम्राट अशोक का बिहार था। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, 2025 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। अब कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम लोग देख रहे हैं कि बिहार का जनता का रुख किसके तरफ है। देखिए, तमाम लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा आज सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं। तमाम जो उपेंद्र कुशवाहा के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं, तमाम लोग पटना में जुट रहे हैं। क्या शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये हम लोग का जयंती मनाते हैं। जैसा शासन सम्राट अशोक जी का था वैसा ही शासन चाहते हैं कि बिहार में भी हो। और हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी वैसा ही शासन, अगर ताकत मिलेगी जनता का वैसा ही शासन बिहार में होगा। क्या लग रहा है, उपेंद्र कुशवाहा यात्रा पे भी निकले थे, तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और आज तमाम लोग जुट रहे हैं? हम पूरे, हम तो यात्रा में थे तो हमको लगता है कि जनता का जबरदस्त अपार समर्थन हमारे नेता के साथ में है। जैसा समर्थन पूरी यात्रा में मिला, लोग सड़कों पे निकल आए गाजे बाजे के साथ, उत्साह के साथ। हमें लगता है कि पूरे लोग नेता के साथ में है। क्या लग रहा है, जो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव महागठबंधन के साथ जो वोट है उसको उपेंद्र कुशवाहा तोड़ के ला पाएंगे अपनी? अभी यहाँ की जनता जो है वो देख रही है, वो देख रही है कि कौन लोग यहाँ पे सबसे अच्छे हैं। और पूरे एक जो है जाति की बात नहीं है, पूरे जमात का समर्थन माननीय उपेंद्र कुशवाहा को मिल रहा है। अगला चुनाव में क्या होने वाला है? अगला चुनाव होगा, हम लोग तैयारी है, ये सारी तैयारी देख रहे हैं, जनता का अपार समर्थन देख रहे हैं। पूरे हम चुनाव में जाएंगे और हम लोग की शासन आएगा। कहा जाता है नीतीश कुमार है वो राजनीति के पक्के मंझे खिलाड़ी हैं, उनसे वोट तोड़ना मुमकिन माना जाता है। देखिए, नीतीश कुमार जी खिलाड़ी थे, अब खिलाड़ी नहीं है। नीतीश कुमार जी अब खिलाड़ी नहीं है, वह वनाड़ी हो गए। इसलिए कि नाड़ी नहीं होते तो 2025 में उसी जंगल राज को सरकार सौंपने की बात नहीं करते। उत्तराधिकारी लौकू समीकरण से लाते, लेकिन उत्तराधिकारी उन्होंने लौकू समीकरण से लाने का काम नहीं किया और किसी के हाथ में सौंपने का काम किया। इसी पर उपेंद्र कुशवाहा ने बगावत करके अपनी नई पार्टी बनाई और बिहार का भ्रमण किया और बिहार के जात जमात सभी समाज के लोग उपेंद्र कुशवाहा को मानने के लिए तैयार है। क्या कहिएगा, उपेंद्र कुशवाहा है जो तमाम वोट बैंक को अपनी ओर खींच पाएंगे? देखिए, तमाम जातियों के लोगों का समर्थन है, पूरी समाज उनके साथ है, उसका प्रमाण अभी आप देख रहे हैं। ये एक जयंती समारोह है, हमने कोई भी शक्ति परीक्षण करने की बात नहीं की है, फिर भी अपार जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो बात कही थी कि जो सत्तासीन लोग कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार नहीं कर पा रहे हैं या बिहार को उस दलदल में ढकेल रहे हैं जिस दलदल से निकालने का काम माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय नीतीश कुमार जी ने मिलकर, तो निश्चित रूप से यह चिंगारी जो उपेंद्र कुशवाहा जी ने जनता के बीच में रखी है कि वो बिहार चाहिए हमें जो सम्राट अशोक का बिहार था, जो बिहार की गौरव थी, जो गरिमा थी, उसे पुनः हमें उसी दौर में लाना है और बिहार के नाम को अपने देश नहीं विदेशों के धरती पर भी उसी सम्मान के साथ सुशोभित करना है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के अलावा कोई विकल्प बिहार में अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है, तो निश्चित रूप से यहाँ पूरी जनता अपने दम से इस बार 24 और 25 के चुनाव से आपको बिल्कुल ही एहसास हो जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा भारी बहुमत में आ रहे हैं। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा हैं वो पूरे जोर लगा रहे हैं और सम्राट अशोक की जयंती मनाया जा रहा है। देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता है वो पटना में जुट रहे हैं और कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का जो पावर है वो दिखेगा। देखिए, तमाम कार्यकर्ता हैं वो पटना में जुट रहे हैं और कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इस बार बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। उतना ही नहीं, 2024 में 2025 में चुनाव होने वाले, अब देखने वाली यह बात होती है कि कितना समर्थन उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकता है। बाकी की तमाम खबरों के बने रहे लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।